नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो कमोटा आइलैंड से आ रहा है। हम आपको बता दें, आज नालंदा शिप कैम्बल बे से पोर्ट ब्लेयर के लिए जो है रवाना हुआ था, और इसी बीच उसने कचाल का पोर्ट में कॉल किया, और कचाल के पोर्ट में कॉल करने के बाद उसने वो कमोटा के पोर्ट में कॉल किया। जब कमोटा वो पहुंचा और कमोटा से जो पैसेंजर्स लेने के बाद और वहां पर पैसेंजर उतारने के बाद जब कमोटा से सेल किया, सेल करने के कुछ ही देर बाद जो है एक आदमी जो है शिप से नीचे जो है उसने छलांग लगा दी, शिप से नीचे वो कूद गया। और उस आदमी ने शिप से नीचे छलांग लगाने से पहले अपना फुटवेयर और मोबाइल जो है वो निकाल कर जो है शिप में वहीं पर रखा जहां से वो कूदा था, और किसी ने उसको देख लिया और शिप के अथॉरिटीज़ को जो है इन्फॉर्म कर दिया इस बारे में, और शिप को जो है स्टॉप कर दिया गया। और सर्च जो है वो अभी ऑनगोइंग है, सर्च अभी चल रहा है, उस आदमी को ढूंढने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हम आपको बता दें, कमोटा से भी जो पुलिस का टीम है वो भी निकला है, ये हमको जानकारी मिली है, और अब तक का जानकारी यही है। और हमको एक जानकारी मिली है कि शिप में जो है पैसेंजर्स को मस्टर किया जा रहा है, कि नहीं कि उनको कहा जा रहा है कि उनके रेस्पेक्टिव मस्टर स्टेशन में आके असेंबल हो, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कौन कौन पैसेंजर शिप में है और कौन नहीं है। तो इस तरह का कुछ एक्सरसाइज शिप में भी अभी चल रहा है, और साथ ही साथ शिप को जो है वहाँ पर रोक दिया गया था और शिप को टर्न भी किया गया था, हमको ये बताया गया है, जो पैसेंजर्स शिप में है उन्होंने। और साथ ही साथ जो पुलिस टीम है वो भी कमोटा आइलैंड से निकली है, ताकि वो भी जो है उस आदमी का जो है सर्च कर सके, और ये पूरा सर्च जो है अभी ऑनगोइंग है। जो लास्ट जानकारी हमको मिली थी तब तक वो आदमी नहीं मिला था, तो सर्च जो है चल रहा था। आगे इस मामले में जो भी जानकारी होगी वो जानकारी जो है हम आपके सामने लेकर आएंगे। आप निकोबार टाइम्स के साथ बने रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करिए, व्हाट्सएप चैनल हमारा फॉलो करिए, साथ ही साथ बाकी सोशल मीडिया में हमको फॉलो करिए, ताकि आपको इस तरह की जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।